बेड पर बेडशीट को ठीक बनाए रखना जी, हर लेडीज़ जाती है कि उसकी बेडशीट सारा दिन ठीक बनी रहे, उसे बार बार उसे सेट ना करना पड़े। लेकिन होता क्या है कि हम एक तरफ उसे सेट करके जाते हैं, जब वापस आते तो हमें फिर से वो बिखरी मिलती है, तो हमें बार बार उसे ठीक करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये हर घर की प्रॉब्लम है, हर लेडीज़ की प्रॉब्लम कि हम बेडशीट को कैसे ठीक बनाए रखें, क्योंकि इससे बार बार लेडीज़ का काम भी बढ़ता है और घर भी साफ नहीं दिखाई देता, सुंदर नहीं दिखाई देता। अगर हमारी बेडशीट सेट है तो हमारा घर सुंदर और साफ दिखाई देगा और लेडीज़ का काम तो कम होगा ही इससे। तो ऐसा क्या करें हम जिससे हमारी बेडशीट ठीक बनी रहे सारा दिन, आज मैं आपके साथ ऐसे 6 टिप्स शेयर करूंगी जिससे हमारी बेडशीट एक दिन तो क्या हफ्ता 10 दिन के लिए आपको बेडशीट फिर से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर देखते हैं मेरे वो 6 मेथड। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो बेडशीट बार बार बिखरती है वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ 6 तरीके से बेडशीट को बिछाना शेयर करूँगी कि कैसे हम अपनी बेडशीट को सेट करें जो वो सदा के लिए वैसी बनी रहे, सेट रहे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब हम बेडशीट खरीदें तो हमें बेडशीट को बड़ा साइज़ का लेना चाहिए, जितने हमारे मैट्रेस का जो साइज़ है उससे कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह चारों साइड से उसके नीचे, मैट्रेस के नीचे बेडशीट हमारी आती हो। हमें बड़ी बेडशीट लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अब मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट जो मेथड है बेडशीट बिछाने का, हम ऐसे बेडशीट को लेंगे, ऊपर सारे बेड पर पहले स्प्रेड कर लेंगे, तो एक साइड को ऐसे मैट्रेस के नीचे मैंने पहले दे दिया हुआ है। तो अब हमारे पास ऐसा कपड़ा बचता है एक साइड देने के बाद, तो इस बेडशीट का कोना है उसको हम ऐसे थोड़ी सी दूरी से ऐसे पकड़ेंगे खींचकर, जो ऊपर वाली साइड है उसे हम ऊपर कर देंगे, तो जो नीचे का इस कोना है इस साइड का उसको भी हम जैसे एक साइड पहले दबाया हुआ है दूसरी साइड भी ऐसे दबा देंगे। तो अब जो ऊपर हमने एक साइड पर किया था उसको अच्छी तरह खींच लेंगे, जो ऊपर कपड़ा आता है बेडशीट का उसको खींचकर ऐसे साइड से हम इसको भी नीचे दबा देंगे। इस मेथड के साथ होटल में बेडशीट बिछाई जाती है ताकि जो वो लंबे टाइम के लिए ऐसी सेट रहे, वो ख़राब ना हो। तो बाकी की भी जो है उसको हम जैसे नॉर्मली सेट करते हैं साइड पर थोड़ा सा दबाते हुए दबा देंगे। तो ऐसे हम चारों कॉर्नर्स पर बेडशीट को बिछा लेंगे। चारों कॉर्नर्स पर बेडशीट बिछाने के बाद आप देख सकते हैं, अब देखिए आप जितने दिनों तक चाहे इसे ऐसे रहेगी, नीचे से वो कॉर्नर से निकलेगी नहीं। जस्ट हमें ऊपर से जब भी थोड़ा लगे तो ऊपर से जस्ट हाथ के साथ उसे साफ़ कर लेंगे, बाकी जो साइड पर वो कवर रहेगी। तो नेक्स्ट के लिए मैंने बेडशीट को बिछा दिया हुआ है, तो एक मैं ऐसे ऊपर रबड़ बैंड यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी छोटा बड़ा रबड़ बैंड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बेडशीट का जो कोना है उस पर जो रबड़ बैंड लिया हुआ है उसको लगा रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ जो सुई धागे के साथ। आप जो मशीन के साथ भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह पर कपड़े की लूप बनाकर भी लगा सकते हैं। ऐसे हम चारों कॉर्नर्स पर ऐसे रबड़ बैंड लगा लेंगे चारों कोने पर, तो या फिर आप कपड़े की लूप भी बनाकर लगा सकते हैं। तो अब इस कोने पर रबड़ बैंड लगाने के बाद मैंने एक बटन लिया हुआ है, तो अब मैं जो मैट्रिस है उसके नीचे बटन लगा रही हूँ, थोड़ा सा बड़े साइज़ का है बटन, जो भी आपके घर पर हो। ऐसे मैंने बटन को लगा लिया मैट्रिस के नीचे। तो बेडशीट को मैंने पहले ही बिछाया हुआ है, तो अब मैं सेट करती हूँ उसको ऊपर। तो ऐसे हमने जो नीचे बटन लगाया हुआ है उसको रबर बैंड के बीच लगा देंगे। देखिए मेरे खींचने से भी वो बाहर नहीं आ रहा, तो आपकी बेडशीट ऐसे कभी बाहर नहीं आएगी। बस जस्ट हमें अब साइड से भी इसे सेट कर देना है जैसे हम नीचे फोल्ड करते हैं, तो आपकी बेडशीट कभी बाहर नहीं निकलेगी, आप जितने दिनों तक चाहें ऐसी रहेगी, जब आप निकालेंगे तभी बाहर निकलेगी कोनों से। ऐसा हम चारों कोनों पर कर लेंगे तो हमारी बेडशीट जो बनकर, जो सेकेंड मुझे आपके साथ DIY शेयर करनी थी, वो बनकर तैयार है। ऐसे रबड़ बैंड की वजह से जो बेडशीट है वो मैट्रिस के साथ ऐसे फिट रहेगी, नीचे से टाइट रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो आप जितने दिनों तक चाहें इसे ऐसे रखिए, आप जब चाहेंगे रबड़ बैंड को बटन के बीच से निकालेंगे तो तभी वो खुलेगी। तो अब नेक्स्ट DIY के लिए मैंने फिर से बेडशीट को बिछाया हुआ है, तो ऐसे हम नॉट देंगे। ये नॉट देने का तरीका काफ़ी पुराना है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि नॉट कैसे देनी होती है, इसका जो प्रॉपर मेथड तरीका है इसको कैसे नॉट देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नॉर्मली दे देते तो कभी इधर से हमारी बेडशीट ज़्यादा खींची जाती है, कभी उधर से खींची जाती है, तो इसीलिए हमारी बेडशीट एक साइड से जल्दी फट जाती है।
तो इसलिए हमें इसका सही मेथड चाहिए। ऐसे हम एक कोने को पकड़ेंगे, उसको कोने से सीधा करेंगे, दोनों साइड से कपड़ा सेम लेंगे, तो ऐसे ऊपर से कपड़े को घुमाते हुए नॉट देंगे। ये जो हमें नॉट देनी है, जी आपको प्रॉपर इसका देखना है तरीका कि हमें मैंने कैसे नॉट दी हुई है, ऐसे करेंगे और बीच में ऐसे झोल आनी चाहिए। जो मैंने नॉट दी हुई है पीछे जो कपड़ा है ऐसे झोल आ रही है, क्योंकि अगर इस बेडशीट पर जहाँ पर झोल आती है तो तभी हमारा जो मैट्रेस है वो प्रॉपर तरीके से इस बेडशीट के बीच में फिट होगा। तो अब हम ऐसे नॉट को लेंगे, वो मैट्रेस पर डाल दिया तो उसको नॉट को हमने नीचे कर दिया, वो मैट्रेस के नीचे आ जाती है, तो सारी साइड से हम बेडशीट को कवर कर लेंगे। ऐसा हम चारों साइड पर जो नॉट देंगे, नॉट का आपने तरीका देख लिया, हमें ऐसे ही देना है, चारों कोनों को पहले सीधा कर पकड़ कर और घुमा कर नॉट देनी है जैसे मैंने आपको दिखाई। तो ऐसे ये भी हमारा थर्ड जो हमने मेथड था कैसे बेडशीट बिछाएं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप देख सकते हैं मैं कितने ज़ोर से ऊपर से मैट्रेस को दबा रही हूँ, लेकिन फिर भी बेडशीट में कोई वाल नहीं, कोई कपड़ा इकट्ठा नहीं हो रहा, बेडशीट इकट्ठी नहीं हो रही, बिल्कुल प्लेन प्लेन दिखाई दे रही है हमें। तो जैसे इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने कोनों से बेडशीट को दबाया हुआ है, तो वो बाहर नहीं निकल रहा बेडशीट का कपड़ा। अगर हम नॉर्मल बेडशीट पर ऊपर बैठते हुए तो फिर भी बाल आ जाते हैं, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं दबाने के बावजूद कपड़े में कोई बाल नहीं आया। तो नेक्स्ट जो मुझे आपके साथ मेथड शेयर करना है उसके लिए मैंने बेडशीट को ऊपर सेट किया हुआ है, तो हम ऐसे कोने से पकड़ेंगे, कोने से लेकर ऐसे मैं दोनों साइड पर 10-10 इंच पर निशान लगा रही हूँ जी। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपकी बेडशीट ज़्यादा बड़ी है तो, लेकिन मैं 10 इंच इधर साइड निशान लगा रही हूँ, 10 इंच दूसरी साइड निशान लगाऊँगी। तो अब ऐसे मैं इलास्टिक ली हुई है मैंने, वो 10 इंच का मैंने पीस काटा हुआ है, अब मैं इसको सुई धागे के साथ ऐसे स्टिच कर लूँगी। आप मशीन के साथ भी ये कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो 6 मेथड शेयर करने जा रही हूँ, मेरा 6 मेथड शेयर करने का मकसद ये था कि आपको इनमें से कोई भी एक अच्छा लगे, आप वो अपने घर पर अपनी बेडशीट पर वो अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। इसीलिए मैं अलग अलग 6 मेथड लेकर आई हूँ कि आप इन सभी को देखकर जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कीजिए। तो ऐसे ही मैं दूसरी साइड जो मैंने जहाँ पर निशान लगाया था उधर भी 10 इंच था, उधर भी 10 इंच, दोनों निशान पर मैंने जो 10 इंच की इलास्टिक काटी हुई थी दोनों पर ऐसे स्टिच कर ली हुई है। तो अब मैं इलास्टिक को इस कोने पर डालती हूँ मैट्रिक्स के। तो अब ये भी देख सकते हैं ये भी नहीं निकल रही क्योंकि हमने कोने पर इलास्टिक लगा दी हुई थी। तो इलास्टिक के नीचे ऐसे हम बेडशीट को डाल देंगे जो उसका कोना है बेडशीट का। तो ऐसे हम चारों कोनों पर कर लेंगे, चारों जो हमारे मैट्रिक्स के कॉर्नर हैं उन पर कर लेंगे। तो साइड्स पर बेडशीट को थोड़ा सेट करने के बाद आप देख सकते हैं ये भी बेडशीट, देखिए कितने प्रॉपर तरीके से साइड से ऊपर से कितनी क्लीन साफ दिखाई दे रही है। ऐसा करने से हमारी बेड सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, आप 10 दिन के लिए ऐसे रख सकते हैं, साफ रहेगी। जस्ट थोड़ा सा ऊपर से अगर लगे आपको कोई तो आप हाथों के साथ ऊपर से ही सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के लिए जो मैं आपको 5th मेथड बताने वाली थी जी, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि हम बेडशीट का कोना लेंगे, पहले बेडशीट को बिछाएंगे, तो कोने से लेकर हम जैसे पहले इलास्टिक लगाई है 10-10 इंच के निशान लगा लेंगे, तो वहाँ पर हम कपड़े की जैसे डोरी होती है ऐसे कपड़े की कोई डोरी बना लेंगे। जहाँ आपके पास कोई लेस वगैरह हो तो लेस भी आप ले सकते हैं। जहाँ पर हम दो लेंगे, अगर हम लेस भी लेते हैं तो वो भी दो पीस चाहिए, जहाँ फिर हम कपड़े की जो स्ट्रैप्स वगैरह बनाते हैं वो भी दो चाहिए। एक को हम उधर कोने से जो 10 इंच का निशान लगाया उधर लगाएंगे, तो एक दूसरे कोने पर जो हम 10 इंच का निशान लगाया है कोने से लेकर वहाँ पर लगाएंगे। दोनों को हम स्टिच कर लेंगे स्ट्रैप बनाकर। आप इतनी चौड़ी बना सकते हैं जैसे इलास्टिक है ऐसी, या इससे और भी कम कर सकते हैं जैसा आपको साइज चाहिए, पतली भी चल सकती है। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे हम दोनों साइड्स पर उस स्ट्रैप को लगा देंगे। तो अब जैसे हम मैट्रिक्स के नीचे उन दोनों स्ट्रैप्स को आपस में बांध देंगे तो ये कोना हमारा टाइट हो जाएगा। तो ऐसे हम बेडशीट सेट कर लेंगे, क्योंकि कोनों से ही हमारी जो बेडशीट है वो टाइट होनी चाहिए। अगर कोनों से वो टाइट है तो हमारी बेडशीट सारा दिन वैसे की वैसी बनी रहेगी, अगर कोनों से वो लूज़ है तो हमारी बेडशीट इसीलिए बाहर जल्दी आ जाती है और ख़राब हो जाती है। तो नेक्स्ट मेथड मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है ऐसे जो मैट्रिक्स का कोना आता है वहाँ पर बेडशीट के इलास्टिक डालने का। तो अगर आपको ये मेथड देखना हो तो ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे
चैनल पर जाकर, नहीं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया हुआ है बेडशीट को। तो आपको जो भी इन 6 से मेथड में अच्छा लगे कोई मेथड, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे भी कमेंट जरूर कीजिए आपको इन 6 में से कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दूसरों के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।